व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर गणेश राणा। तो गाइस, मैं आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट की। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए अच्छी हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आऊँगा, पहली वाली वीडियो में बताया, तो आज मैं आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट वाली वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं और उसमें क्या क्या ऐड करें अपने ब्रेकफास्ट में। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना एंड अपना कमेंट जरूर बताना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बाउल चाहिए जो हम इस पे गैस पे जला देते हैं। एंड इसमें हम थोड़ा सा करेंगे वाटर ऐड, ना बहुत है। देन इसको थोड़ा हीट होने देते हैं, वाटर को थोड़ा सा उबलने देते हैं पानी को। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओट्स, हमारे ओट्स। तो अभी इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं पानी को। A few minutes later. हमारा वाटर बॉईल हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करते हैं ओट्स। ये मेरा प्रोटीन का स्कूप है, मैं ये यूज़ करता हूँ, 30 ग्राम, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। आप 30 ग्राम लेते हो या 40 ग्राम लेते हो या 50 ग्राम लेते हो, आप जितना ब्रेकफास्ट में खा सकते हो उतना ऐड कर लेना इसमें। गाइस, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ये समझ लो ये 2 से 3 मिनट में पूरा तैयार हो जाता है ओट्स आपका। एंड ये आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। चाहे आप ऑफिस जाते हो या आप स्टूडेंट हो या आप जिम जाते हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में हो, आप ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना अपनी डाइट में। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो आप। गाइस देखो, ये देखो कुक होने वाला, बहुत जल्दी बनने वाला है, देख लो कितनी जल्दी तैयार हो रहा है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। आप ऑफिस जा रहे हो, आपके पास बिल्कुल कम से कम टाइम रहता है, तो आप ये ले सकते हो ब्रेकफास्ट में। बहुत इजी है बनाना इसको एंड ये आपको पूरे दिन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स है, तो ये आपको एनर्जेटिक रखता है एंड बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होगा। आप पूरे दिन हेल्दी फील करोगे, बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाएगा आपका। तो गाइस देखो, ये बन चुका है। मुश्किल से हमें 2 मिनट भी नहीं हुए और ये तैयार हो चुका है। तो अब मैं बताऊंगा इसमें कि आपको और क्या क्या ऐड करना है इसमें। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो गाइस देख लो, मैंने इसको प्लेट पे निकाल लिया है ओट्स को, एंड हम इसमें ऐड करते हैं बनाना। तो देख सकते हो आप इसको ऊपर, एक बनाना ऐड करना है आपको इसके साथ। देन इसके ऊपर मैंने निकाल रखे हैं अनार, तो ये मैं ऊपर से डालता हूँ अपने ब्रेकफास्ट में डेली। तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, बहुत ही टेस्टी लगता है एंड देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। देन फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें ऐड करता हूँ ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड करे काजू, तो इसमें ऐड करता हूँ मैं बादाम, देन इसमें डालूंगा मैं किशमिश, तो गाइस ये है हेल्दी ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छी। तो अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि इसमें मैं क्या और ऐड करता हूँ जो मेरे को बहुत ही टेस्टी लगता है और वो मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं उसको अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करता हूँ। और गाइस, ये ब्रेकफास्ट इतना हेल्दी है, चाहे आपका कितना भी बिजी लाइफस्टाइल हो, आप ब्रेकफास्ट ज़रूर लें। चाहे आप बिल्कुल भी, आपके पास टाइम ना मिलता हो वर्कआउट करने का या आपका ऑफिस बहुत जल्दी होता हो, तो अगर आप इसको लेकर ब्रेकफास्ट को लोगे तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड मैं इसमें दिखाता हूँ मैं क्या ऐड करता हूँ लास्ट। तो गाइस, ये है मेरा हनी, ये रॉ हनी है, मतलब मैंने अपने सामने पेड़ से उतरवाया था, जो हनी उतारते हैं पेड़ों से, मेरे घर के पास ही था। तो ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये मेरा फेवरेट है,
हनी। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं हनी का कितना शौकीन हूँ। तो मैंने हनी इतना सारा लेके रखा हुआ है कि मैं डेली इसको अपने ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। ये देखो गाइज, दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो डब्बे में, इसमें बहुत सारा था, अभी तो कम हो गया है। ये बिल्कुल मैंने सामने उतरवाया था पेड़ पे से, रॉ हनी है, बिल्कुल प्योर, जिसको कहते हैं ना प्योर हनी, वो है। तो गाइज ये हमारी डाइट इतनी टेस्टी तैयार हो चुकी है, आप इसको ज़रूर लें अपने ब्रेकफास्ट में, इसको आप ज़रूर ऐड करना अपनी डाइट में, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसके साथ एक स्कूप प्रोटीन ले सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मैं इसके साथ आपको बताता हूँ कि आपको क्या ऐड करना चाहिए इसके साथ, तो मैं दिखाता हूँ आपको। गाइज अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अपने ओट्स ब्रेकफास्ट के साथ आप एग्स ऐड कर सकते हो इसमें, 1 whole egg ले सकते हो, बाकी एग वाइट्स। तो गाइज ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अगर आप वेजिटेरियन है तो याद रखना आप इसके साथ प्रोटीन ज़रूर ऐड करें, एक स्कूप प्रोटीन ले सकते हो आप। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये ब्रेकफास्ट आप ज़रूर करें, चाहे आप कितना भी पूरे दिन का मील अच्छा ना लेते हो मगर हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, एक ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी ज़रूरी है। एंड इसके साथ अगर हो सके तो पीनट बटर भी ऐड कर लेना अपने डाइट में। एंड ये ब्रेकफास्ट हर कोई ले सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप जिम जाते हो, मगर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है आपके पूरे दिन की लाइफस्टाइल के लिए, और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड गाइज इंस्टाग्राम पे ज़रूर मेरे को बताना, इंस्टाग्राम मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।